हेलो बच्चों, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ बीना यादव, आई वेलकम यू ऑल टू गोप्रा प्लेटफॉर्म. हाउ आर यू ऑल? हेलो बच्चों, विद हाई जोश लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं. मोहब्बत ऐसी बात नहीं है, जिसने नहीं देखा है वो बाद में जरूर देख लीजिएगा. आज हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर देख लिया है तो आप बड़े इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे एंड इन क्वेश्चंस की फॉर्मेट में हम पिछला पूरा रिवाइज भी कर लेंगे. यस, फर्स्ट रूल ऑफ द क्लास, नोबडी इज गोइंग टू राइट ABCD. कोई भी बालक ABCD नहीं लिखेगा. मेक श्योर यू गोना राइट कंप्लीट ऑप्शन, पूरा आंसर आप लिखेंगे, चाहे आपका आंसर कुछ भी हो. यू हैव टू बर्न सम ATPs, लेथार्जिसिटी को थोड़ा बाहर भगाना है. एंड आपको व्हाट इज योर व्यू ऑन नीड डेट, जितिन जॉनी, माई व्यू इज कि जितिन जॉनी, अब चूंकि डेट आपकी आ गई है, जैसे ही आपको पता होता है कि डेट है तो सीरियसनेस ऑटोमेटिकली काफी 3-fold, 2-fold बढ़ जाती है. तो आई एम प्रिटी श्योर अब आप काफी सीरियसली उस काम को, सीरियसली अपनी स्टडीज को और ज्यादा गियर अप करके पढ़ाई करोगे. परफेक्ट आंसर्स, आई एम गेटिंग परफेक्ट आंसर्स ऑलमोस्ट. लक्ष्मी, अरुणा, अमित, रंजीत, यामिनी, ज्योति, लक्ष्मी, खुशबू, परफेक्ट एवरीबडी. अब आप समझिए इसको कैसे सॉल्व करना है. सी, बायोलॉजी को कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, जितना हो सके उतना टाइम फिजिक्स के लिए बचा करके रखना है. तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आपके काफी क्विक टू गो होने चाहिए, क्विकली फटाफट से माइंड में ऐसे ही. बायोलॉजी में बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता, इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर. तो आपको बहुत स्टिक होने की जरूरत नहीं, क्विकली फटाफट से आपको अपना आंसर निकालते हुए आगे बढ़ जाना है. यस, इन मेंबर्स ऑफ विच किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. अब आपने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, आपके आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि यार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट तो प्रोकैरियोट्स में होता है. किसमें होता है बच्चे? प्रोकैरियोट्स में होता है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स का मतलब ही ये होता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस. प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस आपका एडवांस नहीं है, पुराने टाइप का है, पिछले टाइप का है. तो पिछला टाइप, प्रिमिटिव टाइप का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट. जो न्यूक्लियस होता है उसको आप न्यूक्लियोइड बोल देते हो. व्हाट यू कॉल इट? यू कॉल इट न्यूक्लियोइड. कल की क्लास में हमने पढ़ा था, आप उसको न्यूक्लियोइड बोलते हो या फिर आप उसको इनसेपियंट न्यूक्लियस बोल देते हो, राइट? तो इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट है. जो ऑर्गनलीज है उनमें भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीज एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गनली प्रेजेंट होती है, विच इज योर 70S राइबोसोम्स. यस, बट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, विच इज मोनरन. कल ही की क्लास में हमने पढ़ा है, करेक्ट विल बी ऑप्शन ए, विच इज मोनरन. जिस बच्चे का आंसर ठीक हुआ है, मेक श्योर यू गोना लाइक द सेशन. आप सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे एंड डेफिनेटली इसको शेयर जरूर कर देंगे. यस, लाइक एंड शेयर एवरीबडी, एवरीवन लाइक एंड शेयर. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एनी डाउट इन फर्स्ट क्वेश्चन? मैक्सिमम सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था आंसर. सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी, सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सॉल्व इट. इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया, ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें ये तीनों चीजों को एक्यूमिडेट किया था? ऐसा कौन सा किंगडम है जिसने इन तीनों ऑर्गेनिजम्स को एक्यूमिडेट किया था? परफेक्ट एवरीबडी, परफेक्ट. लक्ष्मी, संदीप, तेजस्वी, यामिनी, ज्योति, विकास, अरुणा, अर्चना, इशिका, जस्ट परफेक्ट एवरीबडी. नोबडी इज गोइंग टू राइट ABCD. मेक श्योर आप पूरा पूरा आंसर लिख रहे हैं. बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी इज योर BGA, जिसको कि आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हो. साइनोबैक्टीरिया करेक्ट है भाई. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑलरेडी आपने बता दिया कि बैक्टीरिया है. मेथनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया, आपके मोनरेंस के अंदर यू बैक्टीरिया भी आता है एंड आर्किबैक्टीरिया भी आता है.
Monerans has got both U bacteria as well as Archaebacteria. U bacteria is your true bacteria and Archaebacteria will be your the bacteria जो extreme conditions में survive करने में capable होता है. तो तीनों ही आपके bacteria है and सारे bacteria, सारे prokaryotes को exclusively हमने Monerans की category में रखा है. किसमें? Monerans में. बच्चों Monerans में exclusively सारे prokaryotes को रखा हुआ. प्रोटिस्टा में एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया. फंजाई के अंदर आपका सारे फंगस विच इज यूकैरियोट उनको रखा गया. प्लांटी में सारे प्लांट्स को रखा गया. करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों? करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए परफेक्ट. जिसका आंसर ठीक हुआ है वो प्लस फोर अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करता हुआ चलेगा, प्लस फोर लगा लेगा एंड साथ साथ सेशन को भी लाइक कर देगा. जिसका भी ठीक हुआ है वो लाइक भी कर देगा एंड प्लस फोर को भी अपनी पॉकेट में रख लेगा. यस Monerans परफेक्ट. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी. अंशुमन हेलो, सॉल्व द क्वेश्चन. ऑन योर स्क्रीन एबीसीडी नहीं लिखेंगे भाई, पूरा पूरा आंसर लिखेंगे सारे बच्चे. आपको मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो क्राइटेरियाज है फाइव किंगडम के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2016 में एक क्वेश्चन आया था जिसने बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी राइज करी थी एंड वो क्वेश्चन वापस से सभी बच्चों ने रिक्वेस्ट करके उसको इवेल्युएट करवाया था एंड फाइनली उसका आंसर निकला था. तो क्राइटेरियाज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपका बेसिकली एमसीक्यू अलर्ट है. क्राइटेरिया आपका एमसीक्यू अलर्ट है जहां से क्वेश्चन आपका आता ही आता है. यस एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी. क्राइटेरियाज ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. गेटिंग द परफेक्ट आंसर्स रंजीत कुमार यादव, जानवी गुप्ता परफेक्ट, विशाल पाल, नेहा शेख, आदित्य, सुषमा, शिल्पा, अस्तित्व, वालिया, ऑल ऑफ यू परफेक्ट, इशिका परफेक्ट. अब इस क्वेश्चन को करना कैसे आप लोग को? आपने देखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम. सी ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉट द बेसिस लिख दिया, करेक्ट लिख दिया, इनकरेक्ट लिख दिया, राइट लिख दिया, रॉन्ग लिख दिया, ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं. सी जैसे आपने देखा नॉट द बेसिस मतलब आपको कौन सा बेस नहीं है वो फाइंड आउट करना है. तो आप एक छोटा सा क्रॉस मार्क कर लेंगे ताकि आपके ब्रेन में ये सिग्नल रहे कि आपको गलत वाली चीज फाइंड आउट करनी है. अगर करेक्ट स्टेटमेंट होता तो आप ऐसे टिक कर देते, ओके वाला टिक, ताकि क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस मिनिमाइज हो सके. यस गाइस, तो नोट द बेसिस. सेल स्ट्रक्चर वॉज द बेसिस ऑफकोर्स. प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है ये आपका बेसिस था आपका. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगेन वॉज द बेसिस. That was also your basis. Reproduction again basis tha. Then phylogenetic analysis was also the basis. But reserve food material, this was not the criteria to put the organism into different kingdoms. Different kingdoms mein separate karne ke liye ye criteria bilkul bhi choose nahi hua tha. Reserve food material. Whittaker sahab ne ye teen criterias liye the plus phylogenetic analysis ko bhi liya tha but reserve food material ko नहीं लिया था. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. विकास चौधरी नो प्रॉब्लम, माइनस वन हुआ है बट एटलीस्ट यू गेट टू नो द क्राइटेरियाज. तो बच्चों क्राइटेरियाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको एनसीईआरटी में जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं वो क्राइटेरियाज आपके टिप्स पे जरूर जरूर होने चाहिए. यस प्लस फोर इन द पॉकेट. और जिसका प्लस फोर हुआ है मेक श्योर यू गोना हिट द लाइक बटन राइट नाउ. लाइक एंड शेयर एवरीबडी. इनायत मिश्रा आपका भी आंसर ठीक था, परफेक्ट. संदीप कमल परफेक्ट. चलिए आगे. तिलक सोफात एनी प्रॉब्लम भाई, किसी भी बालक को कुछ भी आपत्ति हो तो आप पूछ सकते हो. अरुणा रानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट है, वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है. दैट इज योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन राइट अरुणा. परफेक्ट. मूविंग एड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ध्यान से पढ़ना है पूरे क्वेश्चन को फिर आंसर करना आप लोगों ने. डेलिबरेटली पढ़ो इसको अच्छे से. डेलिबरेटली
पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय लिनायस. लिनायस साहब ने जो प्रपोज किया था सिस्टम, उसके हिसाब से बैक्टीरिया की पोजिशन कौन से किंगडम में रखी थी उन्होंने, बैक्टीरिया की. ज्योति के कह रही है ऑप्शन ए विच इज मोनरा, श्वेता मोनरा, ऑल राइट मोनरा, दीपा शर्मा मोनरा, गेटिंग द मिक्सड आंसर्स, प्लांटी एंड मोनरा. जो जो बच्चे को लग रहा है कि मोनरा था, जिस जिस बच्चे को लग रहा है मोनरा था, सबके सबका आंसर बिल्कुल गलत है. यस यू हर्ड मी राइट, बिल्कुल गलत है. बच्चों समझो इस चीज को, लिनायस साहब ने आपका टू किंगडम सिस्टम दिया था. कौन सा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. टू किंगडम्स कौन कौन से थे? इनके हिसाब से सारे ऑर्गेनिज्म को हम प्लांटी में रख सकते हैं एंड हम एनिमिलिया में रख सकते हैं. यही दो किंगडम्स थे. हम लोग यहाँ पे फाइव की नहीं बात कर रहे हैं, फाइव किंगडम की नहीं, हम यहाँ पे टू किंगडम की बात कर रहे हैं. लिनायस साहब ने आपका टू किंगडम दिया था. फाइव किंगडम वॉज गिवन बाय विटेकर. विटेकर जी ने आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था. राइट गाइज, फाइव किंगडम वॉज गिवन बाई विटेकर, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लिनायस. तो दो किंगडम में वन वॉज प्लांटी, अनदर वॉज एनिमिलिया. इनमें जो क्राइटेरिया को चूज किया था, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी, एबसेंट है एनिमिलिया. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एबसेंट है प्लांटी, प्रेजेंट है एनिमिलिया. इफ दे कैन मूव नॉट प्लांटी दे आर एनिमिलिया. तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया को चूज करा था अकॉर्डिंग टू देम. मोनरेंस विच आर सॉरी जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैज गॉट सेल वॉल. प्लांट में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी. अब स्पेसिफिकली नहीं कहा कि सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बनी हुई थी, तो दैट इज वाई प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया को प्लेस करा गया था. आपके बैक्टीरिया, आपकी फंजाई, सारे के सारे प्लांट, सबके सब आपके प्लांटी में प्लेस करे गए थे. जितेंद्र निगम, कोई बात नहीं, गलत हो गया, बट एटलीस्ट आपको समझ में आया. अभी अभी क्लियर हुआ आपको, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था ध्यान से इस क्वेश्चन को करना. आपने पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया पूछी हुई थी आपको, लेकिन टू किंगडम के हिसाब से पूछी हुई थी. तो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बैक्टीरिया वॉज प्लेस्ड अंडर प्लांटी. यस, गॉट इट एवरीबडी? एनी डाउट टू एनी बच्चा आउट देयर? किसी बालक को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो राइट नाउ. शिल्पा आपका सही था. यस, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर ठीक भी था. गॉट इट? मजा आया इस क्वेश्चन में? मजा आया? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज योर प्लांटी. नो डाउट, मजा आया इस क्वेश्चन में? कुछ नई चीज सीखने को मिली? यस, नो आपत्ति टिल नाउ सो फार. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फिर प्लस फोर कर लेंगे सारे बच्चे, प्लस फोर, और जिसका प्लस फोर हुआ वो लाइक भी कर देगा सेशन को. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. एरिस्टोटल, सबसे अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल. अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन That was based upon mere morphological characters, simple morphological characters पे based Aristotle ने अपना system दिया था. And according to him, plants को इन्होंने categorize कर दिया था three different categories में, which were your herbs, shrubs and trees. And animal को categorize किया था on the basis of presence or and absence of arbaces. अगर आपकी arbaces present होती है तो different name था, absent होती है तो different name था. Don't be sorry, quickly join the session बेटा, don't be sorry. So दो groups में divide किया animals को on the basis of presence or absence of arbaces. The group which does not have, which means the group which is having absence of arbaces, उसको आप कहाँ पे place करेंगे? बच्चों मैंने आपको class में बताया था, काफी सारे बच्चे enaima लिख रहे हैं. That is not the correct answer. Enaima is the correct answer. मैंने आपको कहा था याद करने के लिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जहां पे भी सी बायोलॉजी की जितनी टर्म्स होती हैं, जहां पे भी ये ए वर्ड लिखा होता है, बिगिनिंग में अगर ए वर्ड लिखा है तो सिंपली इसका मतलब होता है एब्सेंस.
एबसेंस मैक्सिमम जगह आप देखिएगा ए वर्ड एबसेंस के लिए हमेशा लिखा हुआ होता है. तो एबसेंस ऑफ आरबीसी इनटू ए नाइमा एंड प्रेजेंस ऑफ आरबीसी विल बी योर ई नाइमा. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल द बच्चास आउट देयर? एबसेंस ऑफ आरबीसी पूछा हुआ है आपसे, विच विल बी योर ए नाइमा नॉट ई नाइमा. करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन ए. एरिस्टोटल ने सबसे अर्लीस्ट सिस्टम दिया था, मेयरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे था. प्लांट्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में रखा, हब शर्ब एंड ट्रीज. एनिमल को रखा डिफरेंट दो डिफरेंट कैटेगरीज में, एनाइमा एंड ईनाइमा, बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज. यप्स, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बच्चों करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ये क्वेश्चंस करने से आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे आपके. करेक्ट हुआ सबका? प्लस फोर एवरीबडी, प्लस फोर, प्लस फोर इन द पॉकेट. एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल. यस, चलो जी मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. जो फाइव किंगडम सिस्टम था, फाइव किंगडम सिस्टम था, उसके हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द किंगडम. प्रॉपर्टीज आपको दी है, यू हैव टू फाइंड आउट द किंगडम. हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होने चाहिए. हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, दोज विल बी हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोटिक. तो आपने मोनरन के चांसेस को हटा दिया. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर लैकिंग ए सेल वॉल. दिस इज द कैच ओवर हियर. This is the catch over here. They are lacking the cell wall. Are included in which kingdom? कौन से kingdom में आप ऐसे organisms को रखेंगे जो कि heterotrophic है? Heterotrophic है, which means they are unable to synthesize their own food. Eukaryotic है. बच्चों let me draw it for you. आपके पांच kingdoms थे. You had Monera. You had Monera. You had Protista. Protista. Over here, then you had Monera, you had Protista, then you had Plantae over here, this is your Plantae, then you had Fungi over here, this is your Fungi, and then you have Animalia over here, this is your Animalia, right? These were your five different kingdoms, right guys? Five different kingdoms. This one includes all the prokaryotic organism, whereas all these kingdoms include all the eukaryotic organism. First thing, these two were unicellular, and all of them except these two, these ones are your multicellular. This one has got autotrophic plus heterotrophic both type of individual. This got auto plus hetero both type of individuals. Plantae is only autotrophic. This is exclusively hetero. Animalia is exclusively hetero. Right? अब देखिए आप लोग heterotrophic, which means it could be this one. ये तो eradicate हो गया. Eukaryotic, इसको eradicate कर दिया आपने. Multicellular, इसको eradicate कर दिया आपने. Lacking a cell wall, इसको eradicate कर दिया. Answer will be your Animalia. Answer will be your Animalia. Did you got it? Lakshmi Rajoria, beta ji, lacking cell wall bhi hai. Fungi mein to cell wall hoti hai, jo ki chitin se milkar ki bani hui hoti hai. But cell wall is there. Lacking a cell wall likha hua hai question mein. Aapko ek ek word ko bade acche se padhna hai. Galat ho gaya, koi problem nahi hai. Aapko samajh mein aaya? समझ में आया कैसे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है? मोनरल, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, दिस इज प्रोकैरियोट्स. रेस्ट ऑल आर यूकैरियोट्स. दीज टू आर यूनिसेलुलर, दीज वंस आर मल्टीसेलुलर. राइट राइट, दिस इज ऑटो प्लस हेटरोट्रॉपिक, ऑटो प्लस हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रो एंड हेट्रोट्रॉपिक. नाइस क्वेश्चन, मजा आया संदीप कमल. लक्ष्मी अभी आया आपको समझ में? लक्ष्मी राजौरिया, यस. इनायत नहीं आया समझ में? फिर से सुनो बच्चों,
हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब अपना फूड खुद सिंथेसाइज करने में कैपेबल नहीं है, वो आपके हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट? यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस आपका एडवांस टाइप का है, दोज विल बी योर यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, दोज विल बी योर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों कॉम्बिनेशन को अगर आप मैच करवाओगे तो दे विल बी Animalia and fungi, but this is lacking a cell wall as well. So fungi cannot be the answer. The correct answer will be option D, which is Animalia. Correct, everybody? Correct? होगा अंकित पांडे, बिल्कुल होगा, तभी तो आंसर नहीं है। फंजाई में सेल वॉल होता है। Awesome session, जानवी गुप्ता, मजा आया इस क्वेश्चन में। +4 everybody, +4 इन द पॉकेट, +4 एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एज वेल। जिसका +4 हुआ है वो लाइक भी कर देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अन्नपूर्णा जो हम दो क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसी को हम एनालाइज कर रहे हैं कि कितना हमको समझ में आया है। लक्ष्मी डज नॉट नहीं दिखा, बट लैग का मतलब होता जिनमें नहीं प्रेजेंट हो, जो लैग कर रहे जिनमें प्रेजेंट नहीं हो, राइट? विच किंगडम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड हु प्रपोज्ड इट इनिशियली? सबसे पहले आपका आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आपका पूरा रिविजन हो रहा है। टू किंगडम दैट वॉज गिवन बाय लिनायस, लिनायस साहब ने आपका टू किंगडम दिया एंड दोज टू किंगडम्स वर योर प्लांटी एंड योर एनिमेलिया, राइट? एनिमेलिया एंड योर प्लांटी। चूंकि इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, चूंकि काफी सारे ऐसी कमियां थी, इसलिए थ्री किंगडम को इंट्रोड्यूस करा गया। थ्री किंगडम वॉज गिवन बाय नर्स्ट हैकल, हैकल साहब ने आपका थ्री किंगडम दिया, जिन्होंने कहा कि यार प्लांटी एनिमिलिया से काम नहीं चलेगा, हमको एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच विल बी योर प्रोटिस्टा। एंड प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। आफ्टर दैट केम योर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फोर किंगडम विच वॉज गिवन बाय कॉपलैंड, गिवन बाय कॉपलैंड। कॉपलैंड साहब ने कहा कि यार प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो प्रोटिस्टा में आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा, बट दैट इंक्लूडेड योर प्रोकैरियोट्स एज वेल एज योर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सो टू डिफरेंशिएट दैट फोर किंगडम में वी हैव मोनेरा जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स है, वी हैव प्रोटिस्टा जिसमें सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, वी हैव प्लांटी जिसमें सारे प्लांट्स प्रेजेंट है, एंड वी हैव एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल प्रेजेंट होते हैं, राइट? रोजी कुमारी, फंजाई तो फाइव किंगडम में आया था बच्चे, फाइव किंगडम में विटेकर साहब ने फंजाई को इंट्रोड्यूस करा था। फोर किंगडम तक आपके कॉपलैंड ने किया था फोर किंगडम एंड मोनेरा को इंट्रोड्यूस करा था। सतीश परफेक्ट, अरुणा रानी परफेक्ट, रश्मि परफेक्ट, अस्तित्व वाला परफेक्ट, शिवा शिवा दिस इज योर फर्स्ट क्लास, यूर मोस्ट वेलकम टू द सेशन, तेजस्वी साहो परफेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मोनेरा को इंक्लूड करा गया था एंड कॉपलैंड वॉज द साइंटिस्ट, परफेक्ट। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट टिल नाउ सो फार? किसी भी बालक को अभी तक कुछ भी आपत्ति है तो आप पूछ सकते हो। टिल नाउ सो फार एनी प्रॉब्लम टू एनी बच्चा आउट देयर? यस, क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हुआ? मजा आ रहा है सबको? क्लियर भी हुआ? नो प्रॉब्लम। गलत लक्ष्मी, दो गलत हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन दो गलतियों से आपने कुछ सीखा। आपका हमेशा पॉजिटिव एप्टीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी सिनेरियो में। सी कितनी ही बेटर सिचुएशन में आप क्यों ना हो, हमेशा उसको देखने का, उसका आउटलुक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू विच वन यू वॉन्ट टू चूज। अगर आप पॉजिटिव चूज करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव चूज करोगे, अगर आप नेगेटिव करना चाहते हो तो आप हमेशा नेगेटिविटी को ही चूज करते रहोगे। एंड ट्रस्ट मी, जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट बैक,
नेगेटिव रहते हो तो डेफिनेटली नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट बैक. तो दो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको ऐसे मत सोचो दो क्वेश्चन गलत हुए, उसको आप सोचो दो नए कॉन्सेप्ट्स मुझको समझ में आ गए, अब इन दो नए कॉन्सेप्ट्स में मैं कभी भी गलती नहीं करने वाली हूं. यस गाइस, गॉट इट? चलो परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच आपको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर एच विटेकर साहब ने, पहले मैं आपको बता देती हूं, आर एच विटेकर साहब ने आपका फाइव किंगडम सिस्टम दिया. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई योर आर एच विटेकर. राइट, इन्होंने कहा कि यार एक्चुअल में पांच डिफरेंट किंगडम होने चाहिए. वी शुड हैव फर्स्ट वन विच इज मोनेरा. मोनेरा, मोनेरा में एक्सक्लूसिवली सारे प्रोकैरियोट्स को रखना है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, एवरी प्रोकैरियोट को हमने रखना है मोनेरल्स की कैटेगरी में. किसमें? मोनेरा में. सेकेंडली वी हैव प्रोटिस्टा. सेकेंड किंगडम इज योर प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में हमको एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखना है. यूकैरियोट्स तो और भी बहुत सारे किंगडम्स में रखे जाएंगे, बट जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उनको स्पेसिफिकली हमने प्रोटिस्टा में रखना है. थर्ड इज फंजाई. वो ऑर्गेनिज्म जो कि अब्सॉर्प्टिव मोड को शो करते हैं, जो हेटरोट्रॉपिक मोड को शो करते हैं, उनको हमने फंजाई में रखना है. फोर्थ वन इज योर प्लांटी. वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक है, सेल वॉल है, उनको हमने प्लांटी में रखना है. फिफ्थ वन इज योर एनिमेलिया. एनिमेलिया, राइट? करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है. ऑस्मोट्रॉप का मतलब होता है बच्चे ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक के रिलेशन में आप समझिए, एजीन, एजीन, एजीम, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, डोंट गेट ऑफेंडेड. ऑस्मोट्रॉप को आप ऑटोट्रॉप्स के जैसे ही मानिए. परफेक्ट आंसर, जानवी गुप्ता परफेक्ट, शिवा इनायत परफेक्ट, मीनाक्षी चौहान परफेक्ट, जितेंद्र निगम परफेक्ट. बच्चों मोनरेंस एक ही कैटेगरी को हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं. मोनरेंस यूनिसेलुलर है, बड़ी अच्छी बात है. ऑटोट्रॉपिक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, डीकम्पोजर भी, बिल्कुल ठीक है यहां तक. बट ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल, बच्चों मोनरेंस के अंदर आपके प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट है, एंड प्रोकैरियोट्स में कभी भी सेल्यूलोजिक वॉल नहीं होती है. प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर प्रेजेंट होती है. तो यहां पे आपकी गलती हो गई है. दिस स्टेटमेंट इज गलत. करेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, मैंने बताया था करेक्ट इनकरेक्ट वाले में करना क्या है, ऐसे टिक का निशान लगाना है. करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. ऑप्शन बी पे चलते हैं. प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होंगे, बिल्कुल ठीक बात है. यूकैरियोट्स होंगे, बिल्कुल ठीक बात है. फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे, यहां तक बिल्कुल ठीक है, बट कीमो ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकते. बच्चों ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाने में सक्षम है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको आप ऑटोट्रॉपिक बोलते हो. अब खुद अपना फूड बनाने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी आप क्या तो सनलाइट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप केमिकल रिएक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. अगर आप वो एनर्जी सनलाइट से एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, और अगर आप वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से लेते हो तो उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक. राइट, तो मोनरन की कैटेगरी के अंदर, मोनरन्स में वी कैन हैव फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड वी कैन हैव कीमो ऑटोट्रॉपिक एज वेल. बट प्रोटिस्टेंट्स के अंदर वी कैन हैव जस्ट फोटो ऑटोट्रॉपिक, वी कैन नॉट हैव कीमो ऑटोट्रॉपिक. तो यहां पे आपकी गलती हो गई है, गलत हो गया है. ऑप्शन डी देखते हैं क्यों गलत है. मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक बात है जी. यूकैरियोटिक होंगे, बिल्कुल ठीक बात है. ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, परफेक्ट बात है. होलोजोइक होगा, बिल्कुल ठीक है. नो सेप्रोबिक, सेप्रोबिक बैक्टीरिया, सॉरी सेप्रोबिक ऑर्गेनिज्म विल आल्सो बी देयर. तो एनिमिलिया में प्योरली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, एंड सेप्रोबिक इज आल्सो द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिज्म ओनली. तो एनिमिलिया विल इंक्लूड दैट. तो यहाँ पे गलती हो गई है, इसमें गलत हो गया है. नाउ कंसिडर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी को आप देखिए, फंजाई मल्टी सेलुलर होंगे, बिल्कुल ठीक बात है. लूज टिश्यूज होंगे, बिल्कुल सही है. यूकैरियोटिक होंगे, बिल्कुल सही है.
ऑस्मोट्रॉपिक होंगे, बिल्कुल सही है, एंड काइटेनियस वॉल होगी, काइटीन की वॉल आपकी प्रेजेंट होगी, बिल्कुल ठीक बात है। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन सी, करेक्ट पूछा था, करेक्ट इज योर फंजाई। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। अनुपमा पक्का सी है, तो बिल्कुल आपका आंसर भी ठीक है। इशिका शर्मा फंजाई, वेरी गुड। जितिन जॉनी सच ए नाइस स्टूडेंट। जितना आप पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट को देते हो, पॉजिटिविटी विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट बैक टू यू। जितिन जॉनी कह रहे गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन। तो इतना अच्छा आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, इतने अच्छे आपके सेशंस लिए जा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट बैक करने का तरीका क्या है? लाइक एंड शेयर का सिलसिला चलते रहना चाहिए। करेक्ट है संदीप कमल, परफेक्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अहजम, थैंक यू सो मच बेटा, दैट्स द पॉजिटिविटी दैट यू आर रिफ्लेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन यूकेरिया इंक्लूड्स हाउ मेनी किंगडम विद रिस्पेक्ट टू सिक्स किंगडम। बच्चों, फाइव किंगडम वॉज गिवन बाई विटेकर। विटेकर साहब ने कहा कि यार मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, ये पांच किंगडम है। आफ्टर दैट कार्ल वूज ने कहा कि भाई मोनरा के अंदर भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो एकदम ट्रू बैक्टीरिया है, जो ट्रू बैक्टीरिया की डेफिनेशन में एकदम फिट बैठते हैं, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में सक्षम है, जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, हाई सलाइन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज को भी सेपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार्ल वूज साहब ने क्या किया, इन्होंने मोनरल्स को, जो फर्स्ट कैटेगरी थी मोनरा, उसको भी दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि यार दो डिफरेंट किंगडम होने चाहिए, वन शुड बी योर यू बैक्टीरिया विच शुड इंक्लूड ट्रू बैक्टीरिया इन ए सेंस, जो आप बैक्टीरिया की डेफिनेशन पढ़ते हो, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल टू यू बैक्टीरिया, बट द सेकेंड कैटेगरी इज योर आर्की बैक्टीरिया। सेकेंड इज योर आर्की बैक्टीरिया। वट इज आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया इज द बैक्टीरिया जो हमेशा एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में सक्षम होगा। एक्सट्रीम का मतलब है एकदम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टेम्परेचर, 100 से ऊपर टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, इतनी सॉल्टी कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहा है, एवरी एक्सट्रीम कंडीशन यू कैन थिंक ऑफ एंड दीज बैक्टीरिया विल बी एबल टू सर्वाइव। तो ये दो डिफरेंट किंगडम्स बना दिए गए, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। इसके अलावा तो वी हैव पुराने वाले प्रोटिस्टा, वी हैव पुराना अपना फंजाई, वी हैव पुराने वाला प्लांटी, वी हैव पुराने वाला एलिमीलिया। करेक्ट है जी, करेक्ट है। तो ये बाकी पुराने वाले, टोटल वी हैव सिक्स। अब कार्ल वूज को लगा कि यार स्टडीज थोड़ी डिफिकल्ट तो नहीं हो गई है, इसलिए इन छह किंगडम को इन्होंने समराइज करके तीन डोमेन्स में रख दिया। इन छह किंगडम को तीन डोमेन में रखा। द डोमेन्स वर यूकेरिया, बैक्टीरिया एंड आर्किया। तीन डोमेन्स बना दिए इन्होंने, थ्री डोमेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ 16 एसआरआरएनए की सीक्वेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू अलर्ट बनता है ये एनसीईआरटी का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीक्वेंस उन्होंने इन छह किंगडम को इन तीन डोमेन के अंदर सेपरेट करके रख दिया। बैक्टीरिया इज यू बैक्टीरिया, आर्किया इज आर्की बैक्टीरिया, यूकेरिया, दिस डोमेन इंक्लूड्स दीज फोर किंगडम। यस, दिस इंक्लूड दीज फोर किंगडम्स, राइट गाइस? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? फोर। सारे बच्चे 3333 आंसर कैसे कर रहे थे, थ्री पे इतने श्योरिटी भी दिखा रहे थे आप लोग। बच्चों, यूकेरिया, डोमेन यूकेरिया, तो बैक्टीरिया वाला डोमेन विल हैव जस्ट यू बैक्टीरिया, आर्किया वाला डोमेन विल हैव जस्ट आर्की बैक्टीरिया, वेयर एज यूकेरिया विल बी हैविंग ऑल द यूकेरियोट्स। भाई ज्ञान चक्षु ओपन करो और उसमें समझो आप इस चीज को। प्रोटिस्टा में भी तो आपके यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स ही तो प्रेजेंट है तो यूकेरियोट्स ही। फंजाई में भी आपके यूकेरियोट्स है, प्लांटी में भी यूकेरियोट्स है, एनिमिलिया में भी यूकेरियोट्स है, तो सारे यूकेरियोट्स को तो आपने यूकेरिया में रखा है। तो डोमेन कितने हुए आपके, कितने डोमेन हुए? चार डोमेन्स हो गए आपके। माइनस वन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वन हुआ, बट एक नया कॉन्सेप्ट आया समझ में आपको,
कॉन्सेप्ट आया समझ में? गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? मेरा गलत हुआ ये मत लिखो, अभी आपको एक्सप्लेन किया। पॉजिटिविटी आप ये लिखो कि मुझे एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस, आप सोचो मुझे एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जितिन जॉनी, डोमेन कॉन्सेप्ट। यस जितिन जॉनी, आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। कार्ल वोज ने आपका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें इन्होंने मोनरन्स को डिवाइड कर दिया यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में। ठीक है जी, मोनरन्स को डिवाइड किया दो डिफरेंट कैटेगरीज में, राइट? अब टोटल आपके छह किंगडम हो गए अकॉर्डिंग टू कार्ल वोज। वन इज यू बैक्टीरिया, सेकंड इज आर्के बैक्टीरिया, थर्ड इज योर प्रोटिस्टा, फोर्थ इज योर फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब इन छह के छह किंगडम्स को समराइज करके डोमेन्स बनाए गए। इन छह किंगडम्स को सम अप करके तीन डोमेन्स में कन्वर्ट करा। किसने किया? कार्ल वोज ने किया। कैसे किया? कैसे क्या क्राइटेरिया क्या लिया? क्राइटेरिया लिया 16 sRNA की सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंस बनाई एंड सीक्वेंस के हिसाब से तीन डोमेन्स बना दिए। फर्स्ट डोमेन इज योर यूकेरिया, सेकंड इज योर बैक्टीरिया, थर्ड इज योर आर्किया। तो बैक्टीरिया में यू हैड यू बैक्टीरिया, आर्किया में यू हैड आर्की बैक्टीरिया एंड यूकेरिया में यू आर हैविंग प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आई होप अब सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज। बैक्टीरिया को आप प्रिमिटिव क्यों बोलते हो? कहने का मतलब है बैक्टीरिया को आप प्रोकैरियोट्स क्यों बोल रहे होते हो? यू हैव टू स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स हैज गॉट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, तभी तो आप इसको प्रिमिटिव बोलते हो, बिकॉज इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। भाई आप समझो, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, इजंट इट? यप्स, ब्रेन होता है सेल का, वो ब्रेन ही इनके पास में प्रिमिटिव टाइप का हो गया। परफेक्ट एवरीबडी, रंजीत परफेक्ट, शेख परफेक्ट, राम्या परफेक्ट, आशुतोष। भाई ABCD कोई नहीं लिखेगा, यू हैव टू बर्न सम ATPs एंड पूरा पूरा आंसर लिखेंगे। बर्न सम ATPs एवरीबडी राइट नाउ। दे हैव इनसेपियंट न्यूक्लियस, परफेक्ट परफेक्ट एवरीबडी। जानवी गुप्ता परफेक्ट, रश्मि परफेक्ट। चलो जी, ये फंडा सबका क्लियर हो गया है, सबका क्लियर हो गया, परफेक्ट। मूविंग एड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। प्लस फोर कर लो बच्चों, प्लस फोर एंड लाइक करना भी ना भूलें, साथ साथ में लाइक भी करते रहें। प्लस फोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। बार बार बोल रही हूं, ये जो वर्ड्स है रॉन्ग, राइट, करेक्ट, इनकरेक्ट, बड़े ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। आप लोग नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए सबसे पहले ऐसे स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे क्रॉस लगाना है। गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है, गलत स्टेटमेंट। यस जितिन जॉनी परफेक्ट, लक्ष्मी बहुत अच्छे बच्चे, अरुणा परफेक्ट, इशिका परफेक्ट, तेजस्वी परफेक्ट, परफेक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनरा। भाई साहब मोनरा में तो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड प्रोकैरियोटिक है जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज टू बी एबसेंट, हैज टू बी एबसेंट, बट प्रेजेंट लिखा है, गलत हो गया है, गलत स्टेटमेंट ही आपको चूज करनी थी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल आप पढ़ सकते हो। सेल वॉल इज एबसेंट इन एनिमिलिया, करेक्ट है, एनिमल के अंदर सेल वॉल आपकी एबसेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है, फंजाई में होती है, मोनरन्स में होती है। प्लांट में इट इज ऑफ सेल्यूलोज, मोनरन्स में इट इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, फंजाई में इट इज ऑफ काइटीन, बट एनिमल के अंदर सेल वॉल विल बी एब्सेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोटिस्टा के अंदर आपके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं एंड प्रोटिस्टा के अंदर आपके हेटरोट्रॉपिक भी है, बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन टू प्रोटिस्टा, करेक्ट स्टेटमेंट है। सम फंजाई आर एडिबल, आप आगे चल करके आपको एग्जाम्पल्स भी मैं बताऊंगी कि मोरल्स एंड ट्रफल्स,
मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंजाई एंड इनको आप एडिबल डेलिकेसीज भी बोलते हो, एडिबल डेलिकेसीज। ये स्टेटमेंट आपका 2019 के क्वेश्चन में भी यूज हुआ था। क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट्स दी थी, वन स्टेटमेंट वॉज दिस वन। यस, तो गलत स्टेटमेंट पूछा है। गलत इज ऑप्शन ए विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनरा, हाउ एवर इट इज एबसेंट इन मोनरा। यस, क्लियर हुआ एवरीबडी? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ सो फार? किसी भी बालक को कुछ भी आपत्ति है अब तक के क्वेश्चंस में, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो राइट नाउ। नो कंफ्यूजन, प्लस फोर इन द पॉकेट एवरीबडी, प्लस फोर। क्लियर हो रहा है सबको? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सबको? यस, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कूल एवरीबडी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सेजल, सुमन, क्या कंफ्यूजन है? प्लीज आस्क मी, प्लीज डू आस्क मी, व्हाट इज योर कंफ्यूजन? परफेक्ट, जिसका क्लियर हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करे। आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। अब जी, जब कार्ल वुज साहब थे, कार्ल वुज ने कहा कि भाई आपके जो मोनरन्स है उनको भी आपको डिवाइड करना चाहिए दो डिफरेंट कैटेगरीज में, एंड दोज टू डिफरेंट कैटेगरीज आर योर यू बैक्टीरिया एंड योर आर्की बैक्टीरिया। दिस इज योर यू बैक्टीरिया एंड योर आर्की बैक्टीरिया, करेक्ट है? करेक्ट है। अब ये आर्की बैक्टीरिया इनसे कैसे डिफर करते हैं? मैंने आपको बताया कि भाई ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करेंगे, एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने में सक्षम है तो कुछ तो इनमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ तो इनमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए यू बैक्टीरिया से, ताकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर पाए। अगर नॉर्मली सभी कर पाते तो ये भी कर पाते, तो ऐसा क्या डिफरेंस है? बेसिकली यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट है आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। कौन सा लेयर है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। बट आर्की बैक्टीरिया में दिस लेयर इज एब्सेंट। इनके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं, एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से ही आपका आर्की बैक्टीरिया इज कैपेबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम मीन्स टिपिकली एक्सट्रीम, हाई टेम्परेचर, हाई सलाइन कंडीशंस, राइट? परफेक्ट, मोहित जैन परफेक्ट, जानवी परफेक्ट, सूरज गुप्ता परफेक्ट, अभय प्रताप परफेक्ट, एंड बाकी सबका भी आंसर ठीक था। करेक्ट विल बी ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जिसका ठीक हुआ वो क्या करेगा भाई? जिसका ठीक हुआ वो क्या करेगा? प्लस फोर कर लेगा अपनी पॉकेट में। यस, चले आगे, चले आगे, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने जब क्लास ली थी, क्लासिफिकेशन टू वाली क्लास में आपको मिलेगा, तभी आपको बार बार बताया था। एनसीईआरटी का मोस्ट कंफ्यूजिंग लाइन है ये, काफी एम्बिग्यूटी राइज करती है ये लाइन, एंड ये एग्जामिनर की काइंड ऑफ फेवरेट लाइन है, एकदम एमसीक्यू अलर्ट है, एमसीक्यू अलर्ट है आपका एनसीईआरटी का, एग्जामिनर की फेवरेट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको ठीक कर पाता है। पूरा आंसर लिखेंगे, एबीसीडी कोई नहीं लिखेगा। वी आर गेटिंग आंसर्स, एल्गी प्रोटिस्टा, एल्गी प्रोटिस्टा, एल्गी, परफेक्ट। जो जो बच्चे अपना आंसर एल्गी लिख रहे हैं वो ये सोच करके लिख रहे हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास है एंड क्लोरिला, इन दोनों को हम एल्गी की कैटेगरी में पढ़ रहे होते हैं प्लांट किंगडम में, उनका ये सोचना है। तो आप सोच बिल्कुल ठीक रहे हो, बट आंसर आपका बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों है? बिकॉज फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर आपके पांच किंगडम को एस्टैब्लिश करा गया था, योर मोनरा, योर प्रोटिस्टा, मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई, यू हैव प्लांटी एंड यू हैव एनिमिलिया, यही पांच किंगडम्स थे। तो बच्चों अपने ज्ञान चक्षु ओपन करो और उसमें रखो इस चीज को हमेशा के लिए कि जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करने का सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया था, देर वॉज वन सोल क्राइटेरिया, दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूकैरियोट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट शुड हैव प्रेजेंस ऑफ जस्ट वन सेल। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अब चाहे
सुनिएगा ध्यान से, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज प्लांट से मिले चाहे इसकी प्रॉपर्टीज एनिमल से मिले, दैट इज वाई आपके पैरामीसियम को, आपके अमीबा को, क्लेमाइडोमोनास को, क्लोरिला को, सारे ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड अपॉन दिस क्राइटेरिया दैट दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, बेस्ड अपॉन दिस दे वर पुट अंडर प्रोटिस्टा। आप भले ही उसको एल्गी में पढ़ते हो बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज एल्गी की जैसी है, बट किंगडम में अगर कोई पूछता है तो दे वर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा किंगडम। कौन से में रखा भाई? प्रोटिस्टा किंगडम। गॉट इट? अस्तित्व वालिया, संदीप, कमल, स्नेहल, जस्ट परफेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन ए विच इज प्रोटिस्टा। जो बच्चे एल्गी लिख रहे थे उनका कंफ्यूजन क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में। अन्नपूर्णा कोई बात नहीं, गलत हुआ बट समझ में आया आपको? समझ में आया? यस। प्रोटिस्टा तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरिला, अमीबा, पैरामीसियम एनसीआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, दे वर ब्रॉट टुगेदर एंड दे वर पुट इनटू प्रोटिस्टा। राइट गाइस? परफेक्ट। चलो जी, वन लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, कौन से ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपकी एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल आपकी प्रेजेंट होती है, विच इज जस्ट वन, विच इज योर राइबोसोम्स। जस्ट राइबोसोम इज प्रेजेंट। ये मैं किसकी बात कर रही हूं? सारे बच्चों के दिमाग में घंटी बजी होगी कि हम लोग तो मोनरन्स की बात कर रहे हैं, हम लोग तो प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियास की बात कर रहे हैं। तो कल हमने शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था, उसमें मैं हमने एक्सप्लेन किया था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। रिमेंबर, स्ट्रेप्टोकोकस वाज द बैक्टीरिया व्हिच मींस प्लाज्मोडियम इज योर प्रोटिस्टा, सैक्रोमाइसी योर फंजाई, क्लेमाइडोमोनास योर एल्गी, स्ट्रेप्टोकोकस व्हिच इज योर बैक्टीरिया विल बी हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स as absent, they will not have any membrane bound organelles. Correct answer will be your option C. Option C. Correct answer will be your option C. Any doubt? Any doubt to any bachcha till now so far? किसी भी बालक को कुछ भी आपत्ति हुई किसी भी क्वेश्चन में, you can ask me right now and do not forget to hit the like button and share it also. Like and share करना बिल्कुल भी ना भूले। I hope सारे बच्चों को समझ में आई होंगी चीजें, अगर कि आप लोग सारे के सारे कंसिस्टेंट हो उसमें। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बस त्रस्त मत रहिए। ऑलराइट, बाय बाय, हैव फन।